17 सितंबर को पीएम मोदी के जन्मदिन के दिन नामीबिया से 8 चीतों को भारत की धरती पर लाया गया था। कूनो नेशनल पार्क में आए इन चीतों को शिकारियों से बचाने के लिए सुपर स्निफर डॉग स्क्वाड को आईटीबीपी के प्रशिक्षण केंद्र में तैयार किया जा रहा है। तो चलिए आपको बताती हूँ कि सुपर स्निफर डॉग को ट्रेनिंग कैसे दी जा रही है। पहले 3 महीने बेसिक ट्रेनिंग होगी, इसके बाद उन्हें 4 महीने की हायर ट्रेनिंग दी जाएगी। जिन कुत्तों को ट्रेनिंग दी जा रही है उन्हें अलग अलग टाइगर रिजर्व से लाया गया है। 7 महीने की ट्रेनिंग के दौरान सुपर स्निफर स्क्वाड को अलग अलग जानवरों की खालों, हड्डियों और अन्य चीजों की पहचान कराई जाएगी। हालांकि सबसे बड़ी जिम्मेदारी ईलू की होगी। बता दें, ईलू अभी 5 महीने की है। उसको सुपर स्निफर डॉग स्क्वाड का कमांडो बनाया गया है।